नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बार फिर से चली है चाल, और दोस्तों उद्धव ठाकरे सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिसके बाद तो दोस्तों आप सभी लोग कहने लग जाएंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार चाहते क्या है। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने दिल्ली से आने वाले यानी कि दिल्ली से महाराष्ट्र जितने भी लोग या फिर कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है उस पर दोस्तों पूरी तरह से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इस खबर को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार चाहती नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। इसके साथ ही आप ये भी कहने लग जाएंगे कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से कोई बड़ी चाल चल रही है, क्योंकि आपको पता होगा सीबीआई का जो ऑफिस है वो दोस्तों दिल्ली में ही उपस्थित है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार को पता है कि अगर दिल्ली के मुख्यालय से सीबीआई एक बार फिर से वहां पर पहुंचती है और सीबीआई को आसानी होती है तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का पता चल जाए, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा खेल खेल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी खबर है क्या, पूरा ध्यान से सुनते रहना, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से यहां हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। जी हां, अभी हाल फिलहाल में जो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं लोग दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं उसको बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं बल्कि दोनों राज्यों के बीच में जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। दोस्तों रेलवे से भी आप जा नहीं पाएंगे अगर दिल्ली से महाराष्ट्र जाना चाहते हैं तो। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है। जाहिर है, एक तरफ पूरे देश में जहां महामारी बढ़ती जा रही है और महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग व्यवस्था बहाल करने पर काम किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महामारी की वजह से लोगों की जान गई है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चिंतित दिख रही है, और वहां इसके असर को कम करने या फिर महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में यह एहतियात कदम उठा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे वजह है महामारी। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार ये किस टाइम पर ऐसा बड़ा फैसला ले रही है। इससे पहले भी तो हम सभी लोगों ने देखा था कि महामारी कितनी ज्यादा बढ़ रही थी बीच में, लेकिन दोस्तों उस टाइम पर तो महाराष्ट्र की सरकार ने इस तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन अब जब सीबीआई को हर दिन जाना पड़ता है दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र की यात्रा कभी भी तय करना पड़ सकता है, उस टाइम पर महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से हम पूरी तरह से विमान यात्रा और साथ ही रेलवे को पूरी तरह से रद्द कर रहे हैं। अब सीबीआई सोचिए खुद की किस तरह से फास्टली महाराष्ट्र में जा सकती है। अगर सीबीआई को दिल्ली से महाराष्ट्र जाना हो तो पहला रास्ता यही है कि जहाज से जा सकती है। चलिए जहाज बंद कर दिया आपने, लेकिन दोस्तों रेलवे को बंद कर दिया। अब महाराष्ट्र की सरकार इस पर कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई अगर जाना चाहेगी महाराष्ट्र तो उसको बहुत परेशानी होने वाली है, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे सरकार का चेहरा पूरी तरह से सामने आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की जनता भी काफी कुछ समझ चुकी है, और महाराष्ट्र की जनता अब कहने पर मजबूर हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अब बस करो। क्योंकि दोस्तों बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2020 में जितने भी फैसले लिए हैं उसमें दोस्तों लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे की इसके पीछे जरूर कोई ना कोई और बड़ी भी वजह है, और उस बड़ी वजह से दोस्तों ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, अर्नब गोस्वामी के फैंस और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता भी काफी ज्यादा परेशान हुई है। इसी वजह से इस बड़े फैसले पर भी महाराष्ट्र की सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे और वो उद्धव ठाकरे सरकार को कहेंगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे सरकार इस पर किस तरह से एक बार फिर से रिएक्शन देती है, क्या वो अपने फैसले को वापस लेंगे या फिर लेना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।